रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये फूटर सेक्शन है जो हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे इसको हमने शुरू करना है। सबसे पहले हम इसको ब्राउज़र पे देख लेते हैं। तो यहाँ से आप F5 दबा के इसको ब्राउज़र पे खोलने की कोशिश करी, तो ये देखिए हमारे सामने एक ब्राउज़र पे ओपन हो रहा है और ये हमें इस तरह से दिखा रहा है। तो ये इसका नेविगेशन बार था, फिर हमने इसके पैनल के बारे में सीखा, देन इसका हमने हेडर सेक्शन बनाना सीखा। हेडर सेक्शन के बाद इसका कंटेंट एरिया था, जिसमें हमने ये लास्ट टाइम में इमेजेस वगैरह को लगाना सीखा था। अब हम सीखते हैं इसके फूटर सेक्शन के बारे में। तो फूटर सेक्शन के बारे में हम सीखना शुरू करते हैं, तो उससे पहले हमें पता ना चाहिए फूटर सेक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि फूटर सेक्शन में हो ये रहा होता है कि यहाँ पर हमने गेट टू नो वगैरह लिखा रखा है, फिर जो भी इसकी वेबसाइट पर एडवांस डेटा होगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे फूटर का एक आपने एलिमेंट जो है ब्लॉक लेवल क्रिएट कर देना है। जैसे आप इसका ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्रिएट करेंगे फूटर का, तो इसके अंदर पहला ब्लॉक आपने जो बनाना है वो बनाना है बैक टू टॉप का, यानी कि ये वाला आपने इसका ब्लॉक बनाना है जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, बैक टू टॉप का। और इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाके डिव पर क्लिक करना है, और डिव पर क्लिक करके फिर ये आपने एक दूसरा एलिमेंट इसके अंदर क्रिएट करना है। अब जो दूसरा एलिमेंट क्रिएट होगा उसके अंदर जहाँ पर जो है क्लास है वो फूट डैश पैनल टू के नाम से क्लास हमने बना रखी है, जबकि फूट डैश पैनल वन के नाम से क्लास हमने यहाँ बना रखी है। फिर इसके अंदर हमने बनाए हैं ये पहला वाला यूएल जो कि डिस्क्राइब करेगा इस सेक्शन को। तो उसके अंदर हमने पैराग्राफ में लिखा है गेट टू नो अस, इसमें आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर लिंक्स क्रिएट किए हैं हमने उसके अंदर, और उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। एक यूएल के बाद दूसरा यूएल के बाद तीसरा यूएल और तीसरे के बाद चौथा यूएल यूज़ किया, और इसमें हमने कोई क्लास का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ क्लास जो है हमने यहाँ पे फूड पैनल टू के नाम से बना रखी है, ठीक है। तो ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमारा डिव कंप्लीट हो गया। फिर डिव के बाद फूड पैनल थ्री है, फूड पैनल थ्री वही नीचे वाला है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इन दोनों को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर आते हैं, तो पहला वाला जो कंटेनर आपने फूटर सारा काम फूटर में हो रहा है, फूटर का पहला ब्लॉक जिसमें क्लास फूड डैश पैनल वन यूज़ की है, तो उसके अंदर हमने CSS का कोड क्या किया है यहाँ पे नोट कर लें। तो हमने इसमें बैकग्राउंड कलर जो कुछ इस तरह का बताया है, ये वाला बैकग्राउंड कलर बताया, उस पर फॉन्ट का कलर वाइट बताया है, और उस पर हाइट उसकी जो है हमने 50 पिक्सल बताई है, जबकि उसके डिस्प्ले को हमने कर रखा है फ्लैक्स, ताकि उसके अंदर का टेक्स्ट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से सेंटर में आ सके। तो लेफ्ट राइट से सेंटर कर दिया, टॉप बॉटम से सेंटर कर दिया, और फॉन्ट साइज का 0.85 rem बता रखा है, जिसके बाद ये बैक टू टॉप इस तरह से नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरी क्लास हमने इसके अंदर बनाई है फूड डैश पैनल टू के नाम से, और उसके अंदर हमने उसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का बनाया है, और उसके बाद कलर जो है इसका फॉन्ट का वाइट रखा है, हाइट उसकी 300 पिक्सल रखी है, डिस्प्ले उसका फ्लेक्स रखा है, और लेफ्ट राइट से डेटा को स्पेसिमली रखा है, ताकि जितने भी कॉलम्स क्रिएट हो उनके दरमियान के जो स्पेस हैं वो तकरीबन सेंटर में नज़र आए। इसके बाद यहाँ से क्लिक करके हमने यूएल का मार्जिन डैश टॉप 10 पिक्सल रखा है, ताकि ऊपर वाले कंटेनर से तमाम यूएल 10 पिक्सल की ऊपर से स्पेस पे नज़र आए, और यूएल के अंदर तमाम एंकर को हमने कर दिया है डिस्प्ले ब्लॉक। एंकर सारे के सारे होते हैं इनलाइन, इसको कन्वर्ट किया ब्लॉक में, तो इसलिए ये एक दूसरे के नीचे नज़र आ रहे हैं, और फॉन्ट साइज 0.85 rem रखा है, जबकि कलर इसका हमने रखा है ये, और कलर कोड लिखा रहा है मार्जिन डैश टॉप, एक दूसरे के दरमियान में भी जो टॉप का मार्जिन है एंकर्स के वो 10 पिक्सल का रखा है। टेक्स्ट डेकोरेशन डन किया, जिस वजह से लिंक्स के नीचे एंकर्स के नीचे अंडरलाइन ख़त्म हो गया है, और ये विदाउट अंडरलाइन लग रहा है। फूड पैनल थ्री, अब फूड पैनल थ्री हमारा कौन सा है, अगर आप देखें तो ये पैनल टू था जिसको हमने ये डिस्कस किया था, जिसमें यूएल वगैरह लिखे थे, और पैनल थ्री हमारा जो कि इसके ख़त्म होने के बाद यहाँ से शुरू होता है पैनल थ्री। पैनल थ्री में हमने एक लोगो लगाया है, और लोगो कैसे लगाया, डिफ क्लास लोगो, वही जो ऊपर हमने क्लास यूज़ की थी वही लोगो की क्लास यहाँ पे लगा दी, और पैनल थ्री इस क्लास का नाम रख दिया। और पैनल थ्री की क्लास में हमने क्या किया है, तो यहाँ पर अभी हमने इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रे रखा है, कलर वाइट रखा है, बॉर्डर टेस्ट टॉप 0.5 पिक्सल का सॉलिड वाइट बॉर्डर रखा है, हाइट इसकी 70 पिक्सल रखी है, और इसके अलावा डिस्प्ले भी इसका फ्लैक्स रखा है, जस्टिफाई कॉन्टेंट में सेंटर रखा है, अलाइन आइटम में भी टॉप बॉटम से सेंटर रखा है। उसके बाद जो लोगो की क्लास यूज़ की है इसके अंदर, लोगो की क्लास तो हमने पहले ही ऊपर डिफाइन कर रखी है, जिसके अंदर हमने वो लोगो वाली फ़ोटो लगा रखी है, और उसी क्लास को उसमें दोबारा से यूज़ कर लिया, जिस वजह से वो लोगो बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहा है। तो अगर आपको लोगो वाली क्लास को देखना है तो वो येरी लोगो वाली क्लास, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है अमेजन लोगो .png, बैकग्राउंड डैश साइज कवर लगाया हुआ है, और हाइट इसकी 50 पिक्सल रखी हुई है, जिसके बाद ये क्लास जब इस ब्लॉक में यूज़ हुई तो ये लोगो यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा है।
उसके बाद पैनल फोर में हमने ये कंडीशन ऑफ यूज़ वगैरह प्राइवेसी वगैरह को लिख रखा है। तो पैनल फोर इसका जो है इसके नीचे बना हुआ है, थोड़ा सा ये वाला बार में हटाऊंगा तो आपको दिखाई देगा शायद। तो यहाँ से मैंने इस बार को उठा के ऊपर रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये आपको पैनल फोर दिखाई दे रहा है इसका, और ये भी फूटर सेक्शन के अंदर ही बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो पैनल फोर में हमने एक मैन डिव बनाया जिसमें फूट डैश पैनल फोर की क्लास यूज़ की है, उसके अंदर एक और डिव बनाया जिसमें पेज की क्लास यूज़ की है, उसके अंदर अब तीन लिंक बनाए जिसमें कंडीशन ऑफ यूज़, प्राइवेसी नोटिस और योर एड्स प्राइवेसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब इस चीज़ को अगर हमें थोड़ा सा समझना है तो उसके लिए हमने फिर डिव की जो फूटर पैनल फोर की क्लास में एक ब्लॉक ये बनाया है और दूसरा ब्लॉक ये बनाया है, ठीक है, और ये भी फूटर के अंदर ही है। तो अब यहाँ पर देखिए दो ब्लॉक जो बनाए हैं तो ये हमारे पेज पे कैसे नज़र आ रहा है, तो पेज पर ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो है इस तरह से नज़र आ रहे हैं तीनों, उसके नीचे ये वाला ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये दो ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर आके फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर आके हमने इसमें जो क्लास यूज़ की पैनल फोर की, तो यहाँ पर जाके पैनल फोर की क्लास पर क्लिक करना है। तो पैनल फोर की क्लास में भी हमने वही तकरीबन प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, एक बैकग्राउंड कलर बताया है, फॉन्ट का कलर बताया है, हाइट बताई है इसकी, फॉन्ट साइज़ बताया है और टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर दिया है, जिस वजह से सारा टेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे सेंटर में नज़र आ रहा है, ये तीनों वाला, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से क्लिक करके डॉट पेज की क्लास बताइए जिसमें पैडिंग डैश टॉप 25 पिक्सल बताया है पेज के ऊपर, तो यहाँ पर जो पेज का 25 पिक्सल की पैडिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्लिक करके नीचे आके पेज के एंकर का अंडरलाइन ख़त्म किया और कलर उनका वाइट किया है। उसके बाद अगर कॉपीराइट के वाले क्लास की बात करें तो उसमें पैडिंग डेस्कटॉप 5 पिक्सल बताइए, जिसमें अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके दरमियान में पैडिंग डेस्कटॉप जो है 5 पिक्सल आ रही नज़र, तो यहाँ पर 5 पिक्सल की पैडिंग यहाँ पर बताई गई है, तो इस वजह से इनके दरमियानी गैप्स जो हैं कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसी तरह का एक फूटर सेक्शन बनाना है इसी तरह से, जैसे एक इसका पूरा फूटर यहाँ पे बनाना है, पूरा फूटर का एलिमेंट लगाना है, उसके अंदर एक ब्लॉक ये बनाना है, फिर उसके अंदर एक ब्लॉक ये बनाना है, ये दो ब्लॉक बन जाएंगे। दूसरे ब्लॉक के अंदर यूएल्स क्रिएट करने हैं और उसमें जो जो टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर लें, मैं इसकी वेबसाइट पर बता देता हूँ क्या क्या टाइप करना है इसके अंदर। और फिर उसके नीचे एक और ब्लॉक बनाना है फूटर के अंदर रहते हुए, जिसमें फिर आपने ये चीज़ क्रिएट करनी है पैनल थ्री में, मतलब फूटर का पैनल वन, फूटर का पैनल टू, फोनल का पैनल थ्री, फिर ये फोर, और ये फिर उसके नीचे वाला सेगमेंट ऐसे बना के आपने डेटा को ऐसे शो कराना है। CSSB में आपको सेंड कर रहा हूँ और इसका एलिमेंट का कोड भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अगर हम इसकी रियल amazon.com पर जाएँ तो देखें उसके नीचे क्या लिखा होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं amazon.in लिख लेते हैं और इंटर कर देते हैं, तो ये वेबसाइट हमारे सामने खुल रही है। तो फूटर सेक्शन पे देखें क्या लिखा हुआ होता है, जो मैंने गेट टू नो सब पे लिख रखा है, तो इसमें देखें ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैं आपको ये वाला सेट करने लगा हूँ, आपने यही चीज़ें पुट करनी है अपने डिज़ाइन के अंदर। मतलब देखें बैक टू टॉप पहले गेट टू नो में ये लिखने हैं, लिंक्स बनाने हैं इस तरह के, फिर गेट कनेक्टेड विथ में ये वाले लिंक बनाने हैं, फिर इसमें ये लिंक्स बनाने हैं, फिर ये लिंक्स बनाने हैं और आखिर में ये लगा देना है। और अगर इसको बनाने की कोशिश करें देखें आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है अगर ऐसा कुछ बन जाता है। और फाइनली ये एक एक्स्ट्रा है जो हमने नहीं बनाया, शायद ये बाद में ऐड हुआ है इसके अंदर, पर आप ये बना लें और अगर इसकी भी कोशिश कर सकते हैं तो बना लें, नहीं तो मैं ये आपको बना के बता दूंगा कि किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ये भी लिंक्स हैं कुछ इस तरह के, इसी पैटर्न पर बने हुए हैं, बस थोड़ा फॉन्ट वगैरह का अलग है। अगर आप इसके कोड को कॉपी करके भी पेस्ट लिखेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये फिर आपका टेस्ट आपका कंडक्ट होगा जिसमें आपको लाइव बैठ के पूरा मुझे बना के दिखाना है फूटर पैनल इसका। अगर आप ये बना लेते हैं तो एंड यू आर ब्रिलियंट, यू आर एक्सेलेंट कि आप इसको कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और इजीली बना के सेंड कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट का फूटर बना रहे हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या हो तो मुझसे आप जो है वो व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, ये मैं सेंड कर रहा हूँ आपको और ये बना के आप मुझे सेंड कर दें, वीडियो भी आपको सेंड कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प रहे इसको बनाने में, ठीक है।